गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट लेक्चर में कहां तक हुआ था, कोई बताएगा? सर, हमने स्ट्रेन कंस्ट्रेंट्स के क्वेश्चंस किए थे मॉड्यूल से। और कुछ करा था सर? यूएनडी के क्वेश्चंस। यूएनडी के क्वेश्चंस वो सब तो ठीक है, फिर आपने डाउट्स भी लिए थे ना पिछले बार। इवनिंग में था ना लेक्चर? यस सर। और ये चीज बताओ, हमारी बुकलेट में कहाँ तक हो गया था? लॉज ऑफ मोशन, ये वाले क्वेश्चंस नहीं कराए थे ना, ये इसमें दो करा दिए थे, राइट? सेकंड और थर्ड हो गया। ठीक है, अपन बाकी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज। हाँ भाई, कौन करेगा डिस्कस आज जल्दी? मैं करूँ सर। चलेगा तो रेज हैंड कर लो सर। सब लोग अनम्यूट कर सकते हो सर? हाँ पता है मुझे, बट रेज हैंड करके रखो, उससे क्या आइडिया रहता है किसके साथ डिस्कशन है। हाँ, जल्दी। सो आज हम पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एडजॉइंट ऑब्जेक्ट्स, जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, साथ में टच हो रहे हैं, ये सेम होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट होता है, उस डायरेक्शन के अंदर जो एडजॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम रहेगा। इसका रीजन है, नहीं तो ये कॉन्टैक्ट लूज कर देंगे। इसका क्या मतलब है देखते जाना। पीछे से फोर्स लगाया M1 ऑब्जेक्ट पे, अब M1 ऐसा तो है नहीं कि जंप करके आगे निकल जाएगा। ये तो होने नहीं वाला। अब M1 क्या करेगा, आगे तभी जाएगा जब M2 आगे जा पाए। तो M1 और M2 के बीच में जो डायरेक्शन फोर्स है वो कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। अगर M2 आगे भाग गया तो यहाँ कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। यस। तो वो आगे भाग नहीं पाएगा, तो उसको भागने के लिए पीछे से कॉन्टैक्ट चाहिए। तो भाई होगा क्या, पीछे से अगर कॉन्टैक्ट चाहिए तो पीछे से जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन आगे वाले के इक्वल होगा। यस। राइट? यस सर। क्यों? आगे वाला तेज भाग नहीं सकता, राइट? पीछे वाला तेज भाग नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझा? यस। ओके, तो अगर यहां तक सॉर्टेड है, A1, A2 सेम होंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, कौन सा कॉन्टैक्ट बनाया मैंने ये, राइट? Yes. इस कॉन्टैक्ट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसको दिख नहीं रहा अभी तो, ये कॉन्टैक्ट है, राइट? Yes. तो उसके परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट कौन सा डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट ये डायरेक्शन है, टुवर्ड्स राइट। दोनों डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट। अब अगर फोर्स पीछे से लग रहा है तो पीछे वाला आगे जाएगा, तो आगे वाला भी आगे ही जाएगा, टुवर्ड्स राइट। समझा? यस। जल्दी से रेज हैंड करके कॉपी करो बच्चों।
गया सर। आदित्य प्रदोष आपका ही वेट हो रहा है। जन्मंजय माइक ऑन करो। हाँ सर। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम डायरेक्टली। करो सॉल्व। फिगर दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो आपको दिख रहा है ऑरेंजिश उससे बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है ग्रीन से बना हुआ है, ग्रीन वाले का एक्सेलरेशन राइट में है, ऑरेंजिश वाले का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउन है। ए वन और ए टू के बीच में रिलेशन निकालना है, राइट? यस। रिजल्ट करो बच्चों जो भी सॉल्व कर रहे हैं। देव गलत है। लास्ट 30 सेकंड्स फिर आंसर चेक करेंगे। ओके जनमंजय माइक ऑन करो। आंसर इज A2 = 4A1। तो अभी तक मेरे को दूषिता आपने पता नहीं क्या लिखा है, बट अगर वो है तो ठीक है।
कैसे सॉल्व करेंगे? ये कॉन्टैक्ट है तो ए वन इधर लग रहा है, ए वन का इधर ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट है, ए वन का कॉम्पोनेंट निकालेंगे इधर, ए टू इधर लग रहा है, ए टू का कॉम्पोनेंट निकालेंगे इधर और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सेम रहता है, समझा? Yes. तो दिस इज द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, दिस इज ए वन, ये एंगल 37 दे रखा है तो ये 53 होगा, हाँ. तो इधर ए वन कॉस 53 आएगा, इधर ए वन साइन 53 आएगा, करेक्ट? Yes. इधर ए टू है, ये 37 है तो ये इधर ए टू साइन 37 आएगा, तो हमको तो ये दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट ये है, तो ए टू साइन 37 इज ए वन साइन 53, समझा क्या? ओके, तो ए टू साइन 37 इज 3/5, ए वन साइन 53 इज 4/5, तो 3 a 2 इज 4 a 1. जल्दी से नोट डाउन कर लो, जिनको भी नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लेना, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बोल सकते हो. हो गया सर. दिशिता, अनन्या, सचित, अमर्त्य, नोट डाउन होते प्लीज डोर योर हैंड. अमर्त्य हो गया होगा बच्चे, इतना टाइम क्यों लग रहा है? गिरीश, नोट डाउन करो, नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, रिजल्ट कर लो बच्चों.
फिर आप पिछला वाला क्वेश्चन एक बार और समझा सकते हैं? क्यों सर समझा नहीं? तो उस समय बोला क्यों नहीं आपने? सर खुद से समझने की कोशिश कर रही थी। तो ये भी समझ लो खुद से। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो समझना चाहिए ना बच्चे। ये कॉन्टैक्ट लाइन है, ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। अब इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में हमें वो निकालना है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। इधर A1 है तो A1 का इधर कंपोनेंट निकालो, और इधर A2 है तो इधर A2 का कंपोनेंट निकालो, और दोनों को इक्वेट कर दो। समझा? हाँ सर। प्लीज नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत करना बच्चे, करो सॉल्व। तीन ही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं क्या, बाकी क्या कर रहे हैं? देव गलत है, श्रवण गलत है, लास्ट 30 सेकेंड्स एक बेसिक सी लाइन बताइए बच्चे, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सेम रहना चाहिए, सॉल्व तो होना ही चाहिए क्वेश्चन यार। इट इज वेरी सरप्राइजिंग, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। जनमंजय? हाँ सर। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। आईटी की तैयारी करनी है, बेसिक सा पॉइंट है। कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर? M1 एंड M2। इनके बीच में कांटेक्ट कहाँ पर है, कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, कॉन्टैक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो फिर निकाल। इनके परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट कौन सा डायरेक्शन है?
जनमंजय भाग गया. सो वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन राइट. ये डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट. तो इस डायरेक्शन में ए वन और ए टू के कॉम्पोनेंट्स इक्वल होने चाहिए. दिशा, दिशिता सॉरी, ये डायरेक्शन कौन सा है? वर्टिकली है ना, राइट. तो ये तो ए वन ही रहेगा. यस सर. ये वर्टिकल डायरेक्शन है क्या? यस सर. ये भी वर्टिकल है. तो डायगोनल वर्टिकल नहीं है, राइट. यस सर. वर्टिकल नहीं है तो इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. यस सर. तो नीचे कितना आ जाएगा? ए टू साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ए वन के. समझा? यस सर. क्लियर है पॉइंट? इतना तो टफ ही नहीं है जितना आप लोगों ने बना रखा है. दिस इज लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट. इस डायरेक्शन में ए वन तो यही लग रहा था, ए टू यहाँ लग रहा है. ये थीटा है तो ये भी थीटा है. तो इधर ए टू कॉस थीटा, नीचे ए टू साइन थीटा. ए वन इक्वल टू ए टू साइन थीटा. करो कॉपी बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं. अमर्त्य, श्रवण, सचित आपका ही वेट हो रहा है. अब पेंसिल स्केल से तो नहीं बनाते हो ना बच्चे अमर्त्य? डायग्राम इतना टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि हाँ दिशिता माइक ऑन करो बच्चे. yes. क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब दिक्कत क्या आ रही है? बेसिक सा पॉइंट है यार कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी है उसको इक्वेट करना है. हैं? ओके, मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करने. डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वन सिंपल है, फोर डिफिकल्ट है. दिमाग लगाओ, जो टाइम लिमिट दूंगा उतने में ही सॉल्व करना, ठीक है? 10:32 हो रही है मेरी वॉच से, यू हैव 10:38 तक का टाइम.
कितने बच्चों का अटेम्प्ट करना बाकी है, रिजल्ट करो? बाकी अनन्या आपका ही बाकी, बस बाकी उनका हो गया, कर लो बच्चे जल्दी करो, लास्ट वन मिनट। आंसर ये हैं बच्चे, ओके श्रवण लोअर योर हैंड, फर्स्ट पार्ट में किसी बच्चे को डाउट, जिसको डाउट है मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, रिजाइन कर देना अगर डाउट है तो। मैं अभी मौका दे रहा हूँ, फिर पांच मिनट बाद ये मत बोलना सर फर्स्ट वाला बता दो, आप पूछ लो अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत सोचो कोई और पूछ लेगा तो मेरा काम हो जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर ये है, फोर्थ वाले में किसी को डाउट? यस सर। ओके माइक ऑन कर लो दिशिता अनन्या। यस सर। परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एक्सेलरेशन सेम रहता है? यस सर। ओके तो कॉन्टैक्ट यहाँ पर है? यस सर। Yes, sir. This is the line of contact. तो perpendicular to contact कौन सा direction हो गया? Perpendicular to contact. The radius of that circle. Correct? Yes, sir. इस direction में acceleration same करना है। अब ये ए वन दे रखा है, yes, एंगल 45 है, ये 90 है, ये भी 45 होगा? यस सर। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा? हाँ सर। ए वन का कंपोनेंट आ गया? यस सर। ए वन कॉस ले लो साइन ले लो एक ही बात है, साइन 45, ये भी 45 हो गया तो करेक्ट? यस सर। आप डायरेक्टली देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये वन साइन 45 आ गया, राइट? यस सर। अब पॉइंट ये है कि ए टू का एंगल निकालना है, राइट? यस सर। ओके ए टू का एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा इसको ओपन आगे तक एक्सटेंड करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, ये एंगल 45 डिग्री? यस सर।
ये एंगल 30 डिग्री, यस सर, ये बीच वाला एंगल कितना होगा? 15 डिग्री. ए टू किधर है? ए टू इस लाइन के अलोंग है. ए टू है. अब इन रेड वाली लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं. ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है. राइट? यस सर. अगर ये 15 है तो ये एंगल भी 15 होगा. यस सर. कैसे? वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा. अब परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट मैं ये ब्लू से लाइन बना रहा हूं. ये लाइन हो गई परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट. यस और नो? तो अगर ये ए टू है, ये एंगल 15 है, तो इधर कितना आ जाएगा? ए टू साइन 15. यस सर. करेक्ट. तो एक आ गया ए टू साइन 15 और उधर ए वन वाला आया था. समझा क्या? ए वन साइन 45. यस सर. अब ऐसा करो, इसको नोट डाउन करो. अनन्या पूछ लेना बच्चे, बाद में खुद से मत फिगर आउट करना. सर 45 डिग्री कैसे है? सर 45 डिग्री कैसा है बच्चे? सर ए वन इसके साथ 45 बना रहा है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन है, उसी लाइन को एक्सटेंड कर रखा है, तो ये भी 45 होगा ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? नहीं सर, पहले बारे में A1 का जब क्या करते थे आप? ये नोट डाउन करो देव, फिर बताता हूँ. यहाँ पे देखो देव, माइक ऑन करो. यस सर. A1 यहाँ पर है, पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता हूँ. यस सर. ये एंगल 45 है, तो इधर कितना आ जाएगा? A1 साइन 45 आ जाएगा. Yes. Okay. तो दोनों को इक्वेट किया, समझा? Yes, sir. नोट डाउन होते हैं, प्लीज लोवर योर हैंड. अनन्या दिशिता, यहां तक क्लियर है?
तो थ्योरेटिकल वाइज हमारा चैप्टर हो गया, मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में अपन फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे. लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, आई विल मेक यू सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करो बच्चों, यू हैव 3 मिनट्स, 53 तक का टाइम है आपके पास, रिजन कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हो. 10:53 तक का टाइम है. क्वेश्चन नंबर 36. यार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट जॉब. वेट वो मत सॉल्व करना. टाइम है आपके पास. सर हमारा स्प्रिंग्स नहीं हुआ है सर, वो भी क्या फ्रिक्शन में आएगा क्या सर? स्प्रिंग्स पढ़ाऊंगा, एक्चुअल स्प्रिंग नहीं हुआ तो स्प्रिंग्स पढ़ाऊंगा आपको.
सर ऑफ हमारा टेंशन ऑफ अ रोप जिसमें मतलब वेट है वो भी नहीं हुआ सर. समझा नहीं क्या कह रहे हो सर. मतलब आपने बोला था ना सर कि आप आगे कराओगे कि अगर एक रोप मासलेस नहीं होता है तो उसका टेंशन वेरी तो वो एक्चुअली स्प्रिंग नहीं हुआ ना. यस सर दोनों हो जाएंगे. ओके सर एक लेक्चर और लगेगा. लॉज ऑफ मोशन हो जाएगा इस वीक में करा दूंगा. मास वाला तो आज ही पढ़ा दूंगा मोस्टली. चलो करें डिस्कस. आंसर देख लेते हैं. फिफ्टी एट का आंसर दे रखा है डी ऑप्शन. या 56 था क्वेश्चन तो शूट वेट. इसका आंसर है सी ऑप्शन दैट इज करेक्ट. किसी बच्चे को डाउट है इसमें. आंसर है सी ऑप्शन. हाँ दिशिता क्या दे रखा है. Two blocks M1 and M2 of equal masses as shown in figure. Assume ideal pulleys and strings neglect friction. Acceleration of two blocks पूछा है. ये एक string one हो गई. यहाँ पे tension ऊपर T हो गया. Yes sir. यहाँ और यहाँ भी T हो गया. Yes, यहाँ T हो गया. Correct? Yes sir. ये स्ट्रिंग टू है. यहाँ पे टेंशन टूटी हो गया क्योंकि ये वाला ग्रीन वाला पुली मासलेस है. करेक्ट. अब मान लो इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन A2 है तो इसके एफबीडी से M1 के एफबीडी से मैं क्या लिख सकता हूँ. नेट फोर्सेस T विच इज इक्वल टू व्हाट M1A. M1 और M2 का मास इक्वल दे रखा है दैट इज MA. इक्वेशन नंबर 1. M2 के एफपीडी से क्या लिख सकता हूं. नीचे क्या लगेगा. M2G दैट इज MG. तो नेट फोर्स क्योंकि नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो MG माइनस 3T इज इक्वल टू MA1. यहां MA2 आएगा. इक्वेशन नंबर 2 राइट. यस और नो दिशिता. यस सर. अब A1 और A2 में रिलेशन निकालना है. हाँ सर. तो रेड स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं. रेड स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा रहा हूं. T A1 cos 0 राइट प्लस 2T AP cos 180 क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है और पुली नीचे जा रहा है प्लस T A2 cos 180 क्योंकि यहां पे M2 पे टेंशन ऊपर लग रहा है और जहां नीचे रहा है A2 राइट. तो यहां से TA1 कितना आ गया. T 2AP + A2 या A1 की वैल्यू आ गई A2 + 2AP. सर बट मास 2 के लिए 3T नहीं आएगा. 3T = 180. मास 2 पे 3T क्यों आएगा पहले तो मुझे ये बताओ. रेड स्ट्रिंग के लिए लिख रहे हैं ना. हाँ सर राइट. यस सर. अब स्टार पॉइंट
फ्रॉम ग्रीन स्ट्रिंग. सर और पाओ का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो AP इज इक्वल टू A2. दिशिता माइक ऑन करना बच्चे. यस सर. तो ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन और ये मेरी फोर्थ इक्वेशन. तो दिस इंप्लाइज A1 कितना आ गया, 3A2 आ गया. इसको उठा के यहां डालूंगा तो करेक्ट. दिशिता हाँ सर. बच्चे रिप्लाई करो ना. यस सर. तो इस इक्वेशन को यहाँ यूज करके आंसर आ जाएगा मेरा. यस सर. करो नोट डाउन फटाफट एंड लेट मी नो वंस यू हैव कॉपी. सर डायरेक्ट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि सबका रेशियो अलग है ऑप्शंस में. मतलब सर A1 और A2 का रेशियो दे दिए थे तो. हाँ सर ठीक है ना. तो मतलब हमें तो रियल मेथड समझना है ना हो क्या रहा है. निशिता जैसे ही नोट डाउन हो जाए माइक ऑन करके बताना बच्चे. हाँ सर. सर AP और A2 का वैल्यू सर सेम क्यों होगा, क्योंकि M2 पे सर एक और स्ट्रिंग है ना. उससे क्या लेना देना है. ग्रीन स्ट्रिंग के लिए देखो जब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखते हैं तो एक स्ट्रिंग के लिखते हैं. तो ग्रीन वाली स्ट्रिंग के लिए लिखूंगा तो सर हो गया पुली और पाओ हो गया M2. सर बट पाओ को एक और स्ट्रिंग खींच रही है ना. उससे फर्क क्या पड़ रहा है मुझे. ग्रीन वाली स्ट्रिंग के लिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो जीरो आने वाला है. हाँ. अच्छा हाँ. तो ग्रीन वाली स्ट्रिंग के लिए पुली का हो गया 2TAP cos 0 और M2 का हो गया 2TA2 cos 180 राइट. अब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. थ्री केजी और 5 केजी का एक्सेलरेशन निकालना है. सॉल्व करो बच्चों. रेज हैंड कर लो जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं. सर लास्ट पेज दिखा सकते एक्सपेंड. ये क्वेश्चन सॉल्व करो बाद में देखना बच्चे. उस क्वेश्चन के बाद मुझे बता देना रिमाइंड करा देना मैं दिखा दूंगा.
इंक्लाइन का मास 5 केजी है, A3 A5 के बीच में रिलेशन नहीं निकालना, उनकी वैल्यूज भी निकालनी है दिशिता, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, लास्ट 1 मिनट। Okay, low down everyone, Dishita and Ananya, कौन करेगा discuss, mic on करो। Yes sir। तो सबसे पहले FBD बनाएंगे। हाँ sir। Right? 5 kg का FBD बना रहे, देखते जाना। 5 kg object ये है। राइट यस सर। इस पे नीचे लगेगा MG 5G करेक्ट यस सर। इस पे ग्राउंड से लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्राउंड करेक्ट। हाँ। यहाँ पे 3 kg ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है यस सर। तो दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो एक ऐसे फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स N3 करेक्ट यस सर। ये पुली इसके साथ अटैच्ड है तो पुली पे लगने वाले फोर्सेस 5 kg पे लगेंगे तो यहां लग रहा है टेंशन T और यहां लग रहा है टेंशन T। ये FBD बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको एक एक फोर्स अलग अलग करके पढ़ाया।
अब एफबीडी बनाना आपको आना चाहिए। माइक ऑफ करने से कुछ नहीं होगा अनन्या। सर नहीं ऑन ही है। टेंशन क्यों लगेगा? क्योंकि हमारा जो पुली है वो 5 kg का पार्ट है, तो पुली पे लगने वाले फोर्सेस, मेरा सर मेरी बॉडी का पार्ट है, तो सर को कोई खींचेगा तो बॉडी पे वो फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो देखते जाना। नीचे लग रहा है 5G, ऊपर लग रहा है N5 बिकॉज ऑफ ग्राउंड, करेक्ट? यस सर। ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा N3 बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद 3 kg। पुली इज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ टेंशन T और यहाँ टेंशन T। अब अगर मैं इसको x एक्सिस लेता हूं और इसको y, तो x और y के अकॉर्डिंग ये जो स्टार मार्क कर रखा है टेंशन और ये जो N3 है, ये दोनों ना x में ना y में, तो इनके कंपोनेंट निकलेंगे। हाँ सर। तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 37 आएगा। यस। तो इधर एंगल आएगा t cos 37 और नीचे आएगा t sin 37। समझा? हाँ सर। ये N3 है, N3 का एंगल देखते जाना। अब मैं इसको जब नीचे खींचूंगा तो ये यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल 53 डिग्री बन जाएगा। 90 के तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। N3 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना? N3 cos 37 और इधर आ जाएगा N3 sin 37। समझा? हाँ सर। FBD क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, यही इसको, इसी फिगर को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने जो जो फोर्सेस थे उसको डिनोट कर दिया। नीचे लग रहा है 5G, नीचे लग रहा है N3 cos 37, नीचे लग रहा है T sin 37, N3 cos 37, 5G, ऊपर लग रहा है N5, राइट? ग्राउंड से राइट में लग रहा है T cos 37, यस सर। राइट में लग रहा है N3 sin 37 और T, यस सर। समझा? हाँ सर। अब इस FPD को देखो, कौन से इस FPD को, हवा में उड़ सकता है क्या? नहीं। तो N5 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? इन सबके सम के। अब मुझे एक चीज बताओ, लेफ्ट वाले फोर्सेस बड़े या राइट वाले, और विद रीजन बताना। लेफ्ट वाले। क्यों? तो क्योंकि सर वो वेट दिशिता, लेटर आंसर। हाँ अनन्या, सर इक्वली रहना चाहिए। इक्वल रहना चाहिए, वेरी गुड। इक्वल रहने के लिए दो फोर्सेस इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। कॉस 37 की वैल्यू कितनी आती है? cos 37 4/5, तो ये 40/5 हो गया। हाँ। 0.80 यहाँ पे t लग रहा है, t बड़ा या 0.80 बड़ा? t प्लस समथिंग, तो लेफ्ट के फोर्सेस बड़े होंगे ना। अब यार देखो, मुझे डर लग रहा है, आप लोग एडवांस वाले स्टूडेंट अगर हो तो ये आंसर आपको देना चाहिए। मतलब इतने बच्चों की तरह तो मैं 3 ईयर बैच में भी नहीं पढ़ाता हूँ, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए कि लेफ्ट बड़ा या राइट। इन एक्सप्रेशंस को तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, दिखना चाहिए कि ये टी है और ये टी कॉस 37 है, तो ऑब्वियसली टी बड़ा है और टी में तो कुछ और ऐड भी करा रहा हूँ, तो लेफ्ट वाला बड़ा है या राइट वाला? अनन्या, लेफ्ट। लेफ्ट वाला बड़ा, तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में? लेफ्ट में। इसलिए एक्सेलरेशन कितना है?
ए फाइव टूवर्ड्स लेफ्ट, वर्टिकल में एक्सेलरेशन लिख दूं, अनन्या? हाँ सर। भागने से कुछ भी नहीं होगा, माइक ऑन करके रखो। वर्टिकल में एक्सेलरेशन लिखूं कि नहीं लिखूं? सर नहीं, एक्सेलरेशन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होगा तो उड़ने लगेगा, तो दोनों नीचे, या तो उड़ने में लगेगा या जमीन को तोड़ के नीचे जाने लगेगा, दोनों ही नहीं होने वाला। हाँ सर। समझा यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल में क्यों आया? देखो मैं क्लास में थोड़े टफ सवाल पूछता हूँ कि मुझे पता है आपको जेई अगर क्लियर करना है तो ये मीनिंग आपको समझ में आने चाहिए। क्या ये समझ में आया अच्छे से? हाँ सर। कॉपी करो बच्चों, जो भी कॉपी करते रेज हैंड कर लो फटाफट। नोट डाउन होते हैं बच्चों, प्लीज लोअर योर हैंड। दो ही बच्चों का हाथ दिख रहा है, दिशित एंड अंडव। सर आपको एक स्क्रीनशॉट मतलब प्रीवियस पेज दिखाने वाले थे बुकलेट का। मैंने कहा ही नहीं था अभी दिखाऊंगा, मैंने कहा था बाद में दिखाऊंगा क्वेश्चन होने के बाद। आप रेज हैंड क्यों नहीं करते हो जनमंजय? अभी भी रेज हैंड नहीं करता क्या आपने लिखते टाइम? सिंपल लॉजिक है, मैं बच्चों को बोलता हूँ रेज हैंड करके रखो, आखिरी बच्चे तक मैं वेट करूंगा, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप रेज हैंड ही नहीं करते, इस क्वेश्चन के बाद दिखाऊंगा बच्चे मैं। ये पेज किसी का बाकी है तो रेज हैंड करके रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ बच्चों। अर्णव, दिशिता, अनन्या, वेटिंग फॉर यू गाइज। दिशिता माइक ऑन करना बच्चे, हो गया क्या? अच्छा अनन्या, यस सर, माइक ऑन करो। इट कांट एक्सेलरेट अलोंग वाई एक्सिस, हवा में नहीं उड़ेगा ना जमीन खोद के अंदर जाएगा। एफ नेट वाई कितना होगा? जीरो। एफ नेट अप माइनस एफ नेट डाउन दैट इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट अप है हमारा एन फाइव, F net down है हमारा 5G, N3 cos 37 hours, T sin 37, ये equation number 1 आ गई। समझ में आई बात? Yes sir. In X axis, left वाले जो net forces है वो T plus N sin 37 है, और right वाले T cos 37 है, तो clearly दिख रहा है, left वाले forces is greater than right वाले forces, तो 5 kg left में accelerate करेगा, समझा? Yes sir.
करो नोट डाउन फटाफट, जल्दी जल्दी करना बच्चों, प्रेजेंट कर लेना जो भी कॉपी कर रहे हैं। हाँ अनन्या, जन्मंजय, बाकी है बच्चों? अनन्या माइक ऑन करो, नहीं माइक ऑन रखता बच्चे, मैं आपके साथ डिस्कस ही कर रहा हूँ ना, हो जाए तो बता देना बस। हो गया सर? हो गया। ओके, तो क्योंकि लेफ्ट वाले फोर्सेस राइट से बड़े हैं, m इंटू ए फाइव आ जाएगा, दैट इज t प्लस n3 साइन 37 माइनस t cos 37 इज 5 इंटू ए फाइव, इक्वेशन नंबर 2, राइट? यस सर। अभी तक हमने 3 kg की बात भी नहीं करी, अब 3 kg की बात करेंगे। 3 kg पे इधर टेंशन लगेगा स्ट्रिंग की, ऊपर n3 लगेगा कॉन्टैक्ट की वजह से, यस। 3g इधर लगेगा वर्टिकली डाउन, तो 3g का कंपोनेंट इधर 3g cos 37 और इधर 3g sin 37। इसके लिए एक्सिस चेंज करिए। क्यों चेंज करिए? क्योंकि इसका मोशन इंक्लाइन के ऊपर हो सकता है, या तो नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। जल्दी से पेज कॉपी कर लो बच्चों, रेज हैंड करके। श्रवण सलोनी, दिशिता वेटिंग फॉर यू। श्रवण एंड सलोनी आपका वेट हो रहा है बच्चों। तो 3 kg के एफबीडी में नीचे लग रहा है 3g cos 37, ऊपर लग रहा है टेंशन टी,
नीचे लग रहा है 3g sin 37 इधर लग रहा है n3 ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये इधर एक्सेलरेट नहीं कर सकता या फिर इधर एक्सेलरेट नहीं कर सकता। देखो दोनों डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करेगा, ऐसा क्यों? इसके नीचे की जो जमीन है वो तो खिसक गई लेफ्ट में। हाँ सर। तो अगर जमीन खिसक गई तो ये ऐसे तो जाएगा ही जाएगा जमीन के साथ, करेक्ट? यस सर। और इस डायरेक्शन में आपको जिधर मानना है नीचे मानना है नीचे मान लो, ऊपर मानना है ऊपर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएंगी वैल्यू। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में लिखे हैं। क्यों लिखे हैं दोनों में? मेरे नीचे की जमीन अगर इधर खिसक गई तो मैं नीचे तो गिरूंगा ही गिरूंगा। समझ रहे बात को? आप सीढ़ियों पे खड़े हुए हो, ये सीढ़ियां हैं अनन्या, आप ऐसे खड़े हुए हो, अब ये सीढ़ियां गायब हो जाए, इधर चल जाए, मतलब ये सीढ़ियां गायब हो गई तो आप किधर गिरोगे? नीचे की तरफ। नीचे गिरोगे तो एक एक्सेलरेशन इधर आएगा और एक एक्सेलरेशन इधर आएगा। हाँ सर। समझ रहे बात को? अब वो नीचे जरूरी नहीं है वर्टिकल, वो ऐसे एंगल पे भी गिर सकते हो, ऐसे भी गिर सकते हो, बट गिरोगे नीचे वाली साइड। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्योंकि मेरा जमीन खिसक गई है, करेक्ट? तो मैंने अननोन मान लिए दो वेरिएबल्स, a3 x डैश इधर और a3 y डैश इधर, ये दोनों अननोन है। इनके अकॉर्डिंग y डैश एक्सिस ये वाली है, नीचे एक्सेलरेट करता है तो नीचे वाले फोर्सेस बड़े होंगे ऊपर वाले से। 3g cos 37 minus n3 is 3 into a3 y डैश, समझा क्या? हाँ सर। नोट डाउन करो, रिजेंट कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं। तो आप लोगों का इसके बाद भी लेक्चर है क्या? नहीं सर। यस सर, 2:00 को। 2:00 को किसका लेक्चर है सर? एक्चुअली वो इससे पहले था बट फिर मतलब आगे शिफ्ट कर दिया। हाँ, किसका लेक्चर है 2:00? दिशिता वेटिंग फॉर यू। ओके, यहां तक क्लियर है? एक्स डैश एक्सेस से क्या आएगा बच्चे? x' एक्सिस से आएगा, नीचे जा रहा है तो 3g sin 37 minus t is 3 into a3 x' fourth equation। yes। अब प्रॉब्लम ये है, we have 4 equations and 6 unknown। unknown कौन कौन से? n5 n3 t a5 a3 y dash a3 x' right? yes sir। तो मुझे दो equation और चाहिए। yes। अब दो equation और चाहिए तो दो equation कहाँ से मिलेंगी? वर्चुअल वर्क नहीं, दो इक्वेशन मिलेगी, एक मिलेगी वर्चुअल वर्क जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है और एक मिलेगी वेज कंस्ट्रेंट। ओके।
एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से मिलेगी और एक वेज कंस्ट्रेंट से. वी विल फाइंड यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशंस. कंस्ट्रेंट रिलेशन मतलब वेज कंस्ट्रेंट एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. समझ में आई बात? यस सर. वेज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ वर्चुअल वर्ब किसके ऊपर? स्ट्रिंग के ऊपर. ऑब्जेक्ट पे ये दिख रहा है मुझे एक टेंशन टी इधर लग रहा है. एक टी इधर लग रहा है. इस टी के कंपोनेंट टी कॉस 37 और टी साइन 37 और एक्सेलरेशन किधर है? A5 लेफ्ट में. तो एक तो आ जाएगा टी A5 कॉस 0 प्लस टी कॉस 37 A5 कॉस 180. यस सर. और एक साइन 37 वाले का डायरेक्ट 0 लिख दूं क्या? क्योंकि एंगल 90 डिग्री आएगा. वैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है प्रॉपरली. तो इसको बेस्ट तरीका क्या है? आप पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो लेफ्ट और राइट का. तो टी माइनस टी कॉस 37 लेफ्ट में आ जाएगा. हाँ सर. A5 कॉस 0 करेक्ट. यस. और A3 वाले के लिए क्या? जा नीचे रहा है और टेंशन ऊपर है. तो टी A3 x डैश कॉस 180 राइट. यस. साइन 37 वाले का इसलिए नहीं लिखा एंगल 90 डिग्री बना रहा है ये एक्सेलरेशन के साथ. राइट. चलो पेज कॉपी करो फिर आगे देखते हैं. हो गया सर. ओके अनन्या. तो हम क्या देख सकते हैं? हाँ सर. टी माइनस टी कॉस 37 A5 कॉस 0 टी A3 एक्स डैश कॉस 180 0. तो अकॉर्डिंगली एक रिलेशन तो ये आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो A3 एक्स डैश ये आ गया. समझा क्या? हाँ सर. अभी एक इक्वेशन बाकी है. यस है ना. अब वो इक्वेशन कहां से मिलेगा? वेज कंस्ट्रेंट से मिलेगा. यस सर. वेज कंस्ट्रेंट क्या करता है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. तो ये कॉन्टैक्ट है
ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट है, तो एक तो ए थ्री वाई डैश तो उधर ही है, ए फाइव का कॉम्पोनेंट निकालना है राइट, यस ए फाइव ये एंगल 37 डिग्री क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा था, तो अगर ये 37 है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 37 ही होगा, हाँ सर, तो इधर कितना आ जाएगा, 83 sin 37 आ जाएगा, यस, तो वेज कंस्ट्रेंट से क्या लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है, A3 y dash is A5 sin 37, समझा क्या, इक्वेशन छह अननोन हो गए, तो क्या आप एक और बार समझा सकते हो सर यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट में क्या हुआ, वेज कंस्ट्रेंट में होता क्या है श्रवण, आप पहले मुझे ये बताओ, सर परपेंडिकुलर फोर्सेस इक्वल लगते हैं सर, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, भाई साहब आपको कोई और पढ़ा रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप मीटिंग छोड़ो और आप उन्हीं के पास जाओ, श्रवण जी, श्रवण जी भाग गए पता नहीं कहाँ, यस सर, आपका क्लास में ध्यान दे रहे हो श्रवण, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप भाग गए, मैं कैसे पढ़ाऊँ आपको, माइक ऑन रखो ना आप, पीछे से फोन तो नहीं आ रहा ना गर्लफ्रेंड का, इधर ही ध्यान देना है, मैंने ये बताया फोर्सेस इक्वल होते हैं या मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल होता है, आपने तो फटफट इंग्लिश बोली पता नहीं क्या क्या और चार पांच चीजें फेंक दी उसमें बढ़िया बड़ी बड़ी, फोर्सेस इक्वल या एक्सेलरेशन इक्वल, एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन इक्वल, आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट ये है, यस सर, तो इसके परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला होगा, यस सर, इस डायरेक्शन में क्या इक्वल होने चाहिए, एक्सेलरेशन, ए थ्री का ए थ्री वाई डैश तो यहीं पर ही था, यस सर, और ए फाइव किधर था, हॉरिजॉन्टली था, खिसक रहा था वो पीछे, हॉरिजॉन्टली था पीछे आगे नहीं, लेफ्ट में खिसक रहा, राइट, यस सर, अब अगर लेफ्ट में था तो लेफ्ट वाले का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, यस सर, क्योंकि इस डायरेक्शन में सेम है ना, तो ये अगर एंगल 37 है तो ये वाला भी 37, यस सर, इधर क्या आ जाएगा, A5 sin 37 आ जाएगा, यस सर, और दोनों को क्या करूंगा, इक्वल लिख देंगे, एज एक्सेलरेशन इज सेम अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, तो A3 वाई डैश को A5 sin 37 के इक्वल किया, समझा, यस सर, सवाल पूछते रहो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, चलो नोट डाउन करो, जो भी नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लो,
श्रवण वेटिंग फॉर यू बच्चे. हो गया क्या? अच्छे समझ में आया अनन्या? हाँ सर समझ में आया. डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे एक और या स्ट्रिंग विद मास पढ़ा दूं? सर एक और कर लें. पक्का? हाँ सर. चलो लगाओ दिमाग, इक्वेशंस लिखो. रिजाइन करके रखना बच्चा जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं. मुझे सिर्फ एक बच्चे का रिजाइन दिख रहा है और दो.
ओके लास्ट वन मिनट कौन करेगा डिस्कस लास्ट क्वेश्चन अनन्या के साथ हुआ था कोई और नहीं होगा तो मैं उसके साथ ही डिस्कस कर लूंगा कोई है इंटरेस्टेड यस सर हाँ दिशिता श्रवण लोअर योर हैंड एफबीडी बनाएंगे बच्चे 7 kg का सबसे पहले नीचे क्या लग गया 7G हाँ सर ग्राउंड से N7 यस सर N5 N5 के दो कंपोनेंट N5 sin 37 N5 cos 37 यस सर टेंशन इधर T और ये इधर T इस T के दो कंपोनेंट यस सॉरी नीचे वाले T के दो कंपोनेंट इधर T cos 37 और नीचे T sin 37 राइट यस सर तो इसको अगर रीड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट में ये राइट में ये यस सर ऊपर N7 और नीचे ये समझा क्या यस सर करो नोट डाउन फटाफट नोट डाउन होते बता देना बच्चे किसी ने रिजल्ट नहीं कर रखा दिशिता एक काम करे बच्चे मैं भेज दूं ये सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले पूरा लिखा बाद में लेना एक ही क्वेश्चन है यस सर हां सर तो वर्टिकल डायरेक्शन में हवा में तोड़ेगा नहीं तो ऊपर लगने वाला फोर्स एन सेवन यस सर किसके इक्वल है नीचे लगने वाले फोर्सेस के yes, नीचे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे N5 cos 37, T sin 37 और 7G ये क्वेश्चन नंबर वन आ गई वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में मुझे ये नहीं पता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है तो मैंने एक मान लिया क्या माना लेफ्ट वाला बड़ा है नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली बाद में आंसर अगर तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अगर मैंने लेफ्ट में एक्सेलरेशन माना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ N5 sin 37 minus T cos 37 is 7 into A7 Yes, sir. ये हो गया मेरा 7 kg का काम कंप्लीट 5 kg पे ऊपर टेंशन T वर्टिकली और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ऊपर N5 डाउन द इंक्लाइन 5G sin 37 परपेंडिकुलर डाउन 5G cos 37 अब दो एक्सेलरेशन मानने हैं क्योंकि मेरी जमीन खिसक रही है तो हमेशा की तरह मैंने तो नीचे मान लिया A5Y और A5X नीचे मान लिया समझा क्या यस सर ये इधर जाएगा
तो जमीन खिसकेगी तो इसका एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, राइट? हाँ सर। अब इसमें वर्टिकल से इक्वेशन लिखेंगे, दिस माइनस दिस इनटू फाइव इज इक्वल टू फाइव इनटू दिस, और यहाँ लिखेंगे दिस माइनस दिस इज इक्वल टू फाइव इनटू दिस। यस सर। तो फ्रॉम वाई एक्सिस 5g cos 37 minus n5 is 5 into a5y. From x-axis, 5g sin 37 minus t is equal to 5 into a5x, right? Yes, sir. अब वही चार इक्वेशन, छह अननोन, तो वेज कंस्ट्रेंट लिखना पड़ेगा। वेज कंस्ट्रेंट से हमने क्या लिखा, a7 लेफ्ट में, तो a7 का कॉम्पोनेंट निकाला, a7 sin 37 is equal to what, a5y, क्योंकि a5y perpendicular direction में ही था, correct? हाँ सर। और string constraint लिखेंगे, string constraint में क्या है बच्चे, जो wedge है उस पे दो tension लग रहे हैं। Yes, sir. कौन कौन से, टी और टी cos 37 और जा पीछे की तरफ रहा है, और 5 kg पे एक ऊपर लग रहा है टेंशन और जा नीचे की तरफ रहा है। Yes, sir. तो यूजिंग वर्चुअल वर्क, टी प्लस टी cos 37 इज ए 7 cos 180 और t plus t into a5 x is cos 180 is equal to 0. Yes sir. So minus t 1 plus cos 37 a7 is right में चला गया, तो plus t a5x, t से t cancel, तो a5x की value आ गई minus times of 1 plus cos 37 a7, इसको solve करोगे cos 37 4 by 5 तो ये 9 by 5 times of a7 आ जाएगा, समझा क्या? Yes sir. So now we have six equations and six unknowns. समझा? Clear है? हाँ सर। अच्छे से notes revise करके रखना next lecture में। बोलो। सर अगर हमने मान लिया कि a7 जो है मतलब opposite direction में है, तो सर हम लोग मतलब approach कैसे करेंगे कि 5 kg मतलब ऊपर के direction में जा रहा है? अगर आपका आपका ये इधर जाएगा। करेक्ट? यस सर। तो ये ऊपर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ओके? ठीक है, तो मैं जो भी ग्रुप पे भेजूंगा वो कर लेना बच्चे, है ना? नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे को ही है, अच्छे से रिवाइज करके रखना, ठीक है सर? कुछ बोलना है बच्चों? सर ट्यूसडे को पूरा फ्रिक्शन हो जाएगा, ट्यूसडे को तो फ्रिक्शन चालू भी नहीं होगा बच्चे। सर हमारा एमडी है नेक्स्ट, इसमें एलओएम संडे को। हैं? मुझे तो आइडिया ही नहीं है। मेजर टेस्ट है आप लोगों का? हाँ सर। ओके चलो मैं देखता हूँ फिर, मेजर टेस्ट में जितना आएगा उतना मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। ओके बाय बच्चों। थैंक यू सर।